हरे कृष्ण। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ये जो मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा, उनका समय कैसा रहेगा, क्या करेंगे, किसकी पदोन्नत होगी, किसकी भाग्य चमकेगी, किसके घर में बजेगी शहनाई, किसके घर में बजेगी किलकारी, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। लेकिन आइए अभी हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 11 अगस्त 2021, दिन है बुधवार, श्रावण मास है, तृतीया तिथि है, जो 5:46 सायंकाल तक रहेगा। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, जो 9:32 प्रातःकाल तक रहेगा। और करण जो है गर्करण है, तत्पश्चात वणिज करण है, और जो गर्करण है 5:11 सायंकाल तक रहेगा, तत्पश्चात वणिज करण प्रारंभ हो जाएगा जो 4:13 प्रातःकाल तक रहेगा। शुक्ल पक्ष है, शिव योग है, दिन बुधवार है, और जो शिव योग है 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 5:47 प्रातःकाल पर, और सूर्यास्त होगा 7:07 सायंकाल पर, चंद्रोदय होगा 8:15 प्रातःकाल पर, चंद्रास्त होगा 9:04 सायंकाल पर। आज चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में, वर्षा ऋतु है, श्रावण मास है, और आज शुभ समय नहीं है, तो शुभ कार्य करने के लिए आज परहेज करना चाहिए। राहु काल है 12:26 से लेकर के 2:05 अपराह्न काल तक रहेगा, और आज उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। शुभ समय में किया गया कार्य बहुत ही फलदायी होता है, उसमें अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, विघ्न बाधा नहीं आती, और जो भी आप एफर्ट करते हैं उसमें अच्छे से हो जाता है। वहीं जब अशुभ समय होता है या कार्य करने का समय नहीं होता है तो उसमें अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको दिक्कतें आती हैं, और दिशाशूल के समय भी कार्य नहीं करना, दिशाशूल से भी यात्रा नहीं करना, यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। आज गोचर में वृष राशि पर राहु विराजमान है, कर्क राशि पर सूर्य विराजमान है, और आज सिंह राशि पर हो चंद्रमा भी है, मंगल बुध और शुक्र। चंद्रमा है जो निशापति है, मंगल पृथ्वी पुत्र है, और बुध चंद्रमा का पुत्र है, शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी ये सारी सिंह राशि पर विराजमान है, और वृश्चिक का केतु है, मकर का शनि है, और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आज का गोचर बहुत ही शुभ एवं बहुत ही अच्छा था। आपने जाना आज का पंचांग है, इसके बारे में हमने आपको बताया। हरे कृष्ण।